अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो आज की वीडियो में मैं कोई फ़िल्टर वगैरह या कोई ऐसा कैमरा जिसमें कलर ग्रेडिंग हो वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, ओरिजिनल जो कलर हैं फसलों वगैरह के वही हैं। ये आप देख सकते हैं जो नेचुरल कलर हैं वही आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन पिछली जो वीडियो है उनमें मैंने कैंडी कैमरा का यूज़ किया था, यानी कलर ग्रेडिंग जिसमें होती है। तो इस वीडियो में कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है, जो ओरिजिनल कलर है खेतों में वही सामने है जी। हमारी सब्ज़ी ये धनिया है, ये आप देख सकते हैं कि आज फिल्टर वगैरह के बगैर ओरिजिनल जो कलर है नेचुरल कलर वही धनिया का है, यानी कि फ़िल्टर वगैरह इसमें कोई नहीं लगाया हुआ। ये है जी धनिया। उसके बाद ये मूलियाँ हैं, ये अभी तक छोटी हैं, यानी कि नेचुरली कलर है लेकिन अभी तक हैं छोटी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आई गैस जो है ना गाजरें वगैरह वो हैं, अभी तक जमी नहीं है। ये है जी पालक की फसल, पालक की सब्जी फसल कह रहा हूँ। तो पालक अभी तक ऊपर से इन्होंने काट कर पकाई है, यानी थोड़ी सी थी तो ऊपर से काट ली गई है। वैसे ये है ओवरऑल। ये हैं जी मेथरे, मेथरे वगैरह, यहाँ पर शायद गोंगलू या गाजरा इन दोनों में से कोई चीज़ है। और वो सामने फिर मूलियाँ और ये मेथरे वगैरह, ये जो सारे हैं ये तकरीबन सारे ही मेथरे हैं। अभी सब्ज़ी में से सबसे ज़्यादा जो मिकदार में यानी कि सही चीज़ जमी है वो ये धनिया ही है यहाँ पर। तो ओवरऑल ये है जी सब्ज़ी, खेतों में थोड़ी सी जगह पर लगाई हुई है, अपने घर के लिए बेचने के लिए नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं खेतों की तरफ आया हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे तिल की फसल है, यानी तिल के खेत हैं। तो अभी खेतों में आया हूँ, कुछ थोड़ा सा काम था उसके लिए, और आपको भी दिखाता हूँ, खेतों की सैर कराता हूँ और खेतों में क्या निज़ाम है वो दिखाता हूँ। ये वही तिल की फसल है जो मैं आपने मेरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो में देखी थी, तो अभी मैं उसी में हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खेत, अब इनको यानी कटाई मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद इनको बांधा भी जा चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये इनको बांधा जा चुका है, अब यहाँ से इसको घरों में ले जाया जाएगा और घर की जो छतें वगैरह हैं उन पर इनको सुखाने के लिए रख दिया जाएगा। और इसके बाद यानी जब ये सूख जाएंगे तो इनका बीज जो है उसको निकाल कर या घरेलू इस्तेमाल में लाया जाएगा, यानी कोई चीज़ बनाने के लिए, या फिर सेल कर दिया जाएगा और प्रॉफिट। ओवरऑल नेचुरल कलर में ये कुछ इस तरह के हैं, ये तकरीबन सारे जो है इसकी कटाई हो चुकी है, कुछ इनमें से बंद जा चुके हैं जैसा कि वो जो सामने है ये वाला, लेकिन कुछ अभी तक बांधने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पर या सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर घरों में ले जाकर घर की जो छत होती है उस पर रख दिया जाएगा, जब तक कि ये यानी कि खुशक हो जाएं। जब ये खुशक हो जाएंगे उसके बाद इनमें से जो बीज है उसको निकाल लिया जाएगा और उसको या अपने इस्तेमाल में लाया जाएगा या फिर ये है जी छत पर इन्होंने तेल रखे हुए हैं इन्हें सुखाने के लिए, अब सूखने के बाद इनसे बीज निकाला जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी मकदार में है, सेल कर दिया जाएगा। ये आज हमारा ट्यूबवेल अभी तक बंद पड़ा हुआ है, खेतों को सराब करने के लिए, खेतों को पानी देने के लिए ये इस्तेमाल। और वो सामने किन्नू के बागात हैं, वो मकई और इसके अलावा ओवरऑल आसपास सूरज का मंजर ग़ुरूब होता हुआ अपने घर को जाता हुआ सूरज का मंजर। अभी मैं यहाँ दूसरे खेतों में आया हूँ, ये आप मेरे कैमरा यार बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, उसके लिए माजरत। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं तेल की फसल, ये अभी काटने वाली है, और इसके अलावा ये जो है ये काटी जा चुकी है।
यहाँ तकरीबन ओवरऑल मेरे पीछे तेल ही तेल थे। ये जो आप सारा जगह देख रहे हैं ना, यहाँ तक ये सारे तेल ही तेल थे। तो अभी वो जो हैं वो उन्होंने बांध कर वो यहाँ से लेकर चले गए हैं, और ये जो हैं ये अभी तक यहाँ ही है। ये भी कुछ देर में वो लेकर चले जाएंगे, ये जो यहाँ पर हैं। और इसके अलावा जो मेरे पीछे खड़े हैं वो शायद सुबह या एक दो दिन में ये भी इनकी भी कटाई हो जाएगी, सुबह ही हो जाएगी। इतने सारे ही हैं ये, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारे तेल ही तेल थे वो वहाँ आगे तक यहाँ पर सारे तेल ही थे। अभी ये थोड़े से रह गए हैं और ये जो नीचे पड़े हैं, उसके अलावा ये तकरीबन सफाया हो चुका है। और इसके अलावा ये मेरे पीछे किन्नू के बगात हैं, ये आप देख सकते हैं। माल्टा सरगोधा में ज़्यादा मकदार में माल्टा ही पाया जाता है, तो माल्टे के पीछे। तो अभी किन्नुओं की तरफ जाते हैं, आपको किन्नू दिखाते हैं कितने बड़े हो चुके हैं। तो चलिए, तो ये है जी किन्नू के बागात। ओवरऑल ये आप देख सकते हैं पीछे, वो वहाँ तक किन्नू ही किन्नू है। और ये है जी, अभी कुछ अर्से में ये पक जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। आज की वीडियो बगैर किसी फिल्टर के आई, यानी कि ओरिजिनल कलर जो भी है ना, बागात वगैरह के सब ओरिजिनल कलर ही हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वहाँ से लेकर यहाँ तक, वहाँ आगे तक किन्नुओं के बागात। हमारा फार्म अल्लाह शुक्र से ये ठीक हो चुका है, अब बिजली चालू हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि बिजली चालू हुई है। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन ट्रांसफार्म वाले ट्रांसफार्म को ठीक करने आए थे, और वो तकरीबन सारा दिन लगे रहे साफ थे नहीं। ये सही तरह से यानी कि चला नहीं था। उसके बाद ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन ट्रांसफार्म जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया था और चल गया था। ये उस दिन की वीडियो है, ये दोनों दिन, और ये जब ठीक कर रहे थे वो क्लिप है। इसके अलावा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रांसफार्म है वो ठीक हो गया है और बिजली चालू हो गया है, और आपका शुक्र अदा किया है। और इसके अलावा ये छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। इसी के साथ ज़हीर हसन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारे ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।